तो आज की हमारी इस क्लासेस में हमारे साथ अब्दुल राशिद जी या रुपेश जी हैं, और हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेशंस में। तो डैशबोर्ड्स पे हमने अभी तक जो पढ़ा रुपेश जी के साथ कि किस तरह से फॉर्मूलेज यूज होते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड में फॉर्मूले का अच्छा खासा रोल होता है। तो जो मेन मेन फॉर्मूलेज है वो हमने उनको डिस्कस कराया कुछ क्लासेज में, जिसमें एरे वगैरह भी था। अब टॉपिक हम करते हैं इस पे पिवट्स पे। तो सबसे पहले जानते हैं अब्दुल जी, पिवट्स थोड़ा बेसिक से चल रहा है तो पूरा कवर होगा, तो ध्यान रखिएगा। एक्चुअली तो पिवट जो है हमारा, पिवट का यूज होता है किसी भी डेटा को अनलाइज, समराइज एंड रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और पिवट के जरिए हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट किया जा सकता है आसानी से। अब आपके डैशबोर्ड डायनेमिक नहीं है उतना, उसके अंदर उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो आप उस डैशबोर्ड सिंपली पिवट टेबल के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि पावर बीआई में करते हैं। तो पावर बीआई भी एक डैशबोर्ड का अच्छा खासा एग्जाम्पल है, ठीक है। जी तो चलिए सबसे पहले हम डेटा को देखते हैं, और पिवट टेबल लगाने से पहले आपको डेटा को समझना होगा। जैसे आप देख रहे हैं मेरे डेटा में आईडी है, डेट है, नेम है, सिटी, एरिया, क्वांटिटी और एमआरपी है। अब इसको सिलेक्ट कीजिए या बिना सिलेक्ट करे भी कर सकते हैं, अगर ब्लैंक ना हो तो सिलेक्ट ना भी कर सकते हैं। पिवट टेबल पर क्लिक करके ओके कीजिए तो आपको यहाँ एक नई सीट पर एक इस तरह का विंडो आएगा, इसको पिवट एरिया कहा जाता है। और जैसे ही एरिया पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पिवट टेबल फील्ड्स आ जाएंगे, वो फील्ड्स जो आपके डेटा में हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेटा के अंदर का जो फील्ड है वो फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक होगा तो पिवट एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट किया भी तो यहाँ पे फील्ड वन फील्ड टू लेगा। किसी कई बार टेबल्स वगैरह होता है तो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद हम पिवट टेबल में यहाँ मुझे चाहिए क्या, पहले जानिए मुझे चाहिए कि किस पर्सन ने किस सिटी में कितनी क्वान्टिटी सेल की है, सिंपल सा। तो यहाँ हमने नेम को रखा, यहाँ हमने सिटी को कॉलम में रखा और क्वांटिटी को टोटल में रखा, तो ऑटोमेटिक ये सम हो गया, क्योंकि क्वांटिटी वाले कॉलम में क्या है, नंबर्स है, इस कारण से बाय डिफॉल्ट सम हो गया। अगर टेक्स्ट होता, पूरा टेक्स्ट होता, कहीं ब्लैंक होता तो क्या होता आपका, यहाँ पे काउंट ऑफ टोटल आता। तो आप यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके काउंट को सम वगैरह और बाकी कैलकुलेशन में चेंज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए बहुत सारे ब्लैंक्स आए, और चाहते हैं ब्लैंक्स ना आके जीरो आए, तो आप पिवट टेबल ऑप्शन में जाके सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया सो एम्प्टी शेल जीरो, तो ये आपका जीरो आ गया। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की। अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, जैसे नॉर्मल डेटा फॉर्मेट करते हैं, ऐसे आप नॉर्मल डेटा यहाँ फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जब आप रिफ्रेश करेंगे तब फॉर्मेटिंग हटने का डर रहता है। फॉर्मेटिंग क्यों हटेगा और हम रिफ्रेश क्यों करेंगे, देखिए आपका डेटा में किसी भी तरह का चेंजिंग करते हैं तो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होने के लिए रिफ्रेश करना ज़रूरी है। जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पिवट इससे लिंक नहीं होता, इसको कॉपी करके अपने बैकएंड डेटा में स्टोर करता है। जब रिफ्रेश करते हैं तो अपने डेटा को अपडेट करता है। तो आप अगर डिज़ाइन में जाते हैं तो डिज़ाइन में आपके पास ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेटिंग की, कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ चूज करके आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिवट का पार्ट हो जाता है, रिफ्रेश करने पे भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर डेटा इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है तो। इसमें अगर पिवट चार्ट लगाना चाहे तो आपके पास बहुत सारे पिवट चार्ट, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, जो इंसर्ट में जो नॉर्मली चार्ट लगाते हैं, या फिर पिवट टेबल एनालाइज में आपके सामने पिवट चार्ट होता है, पिवट चार्ट से भी अपना जो चार्ट आपको सुटेबल है वो आप ले सकते हैं। और हर चार्ट के ऊपर अपनी फॉर्मेटिंग होती है, अपना डिजाइन होता है, आप कर सकते हैं। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, जिसे हमने यहाँ पर अभी रिपोर्ट बनाया, चलिए एक और रिपोर्ट हम यहाँ पर बनाते हैं इस बार इसकी बारीकियों को समझते हैं। वैसे पिवट टेबल हमने लगाया, अगर मैंने नेम वाइज और सिटी वाइज ही या एरिया वाइज ही रिपोर्ट यहाँ पर ले लिया तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपके कॉलम के अंदर में अभी क्या है, लिमिटेड डेट छोटा, मतलब कि स्मॉल साइज, बहुत ही छोटे साइज का कॉलम फील्ड है, जैसे कि चार पाँच ही है ना, चार है आई थिंक, नौ जनरल से ईस्ट साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये छोटा है ना। लेकिन ये डेटा अगर काफ़ी बढ़ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने इस पर रख दिया डेट, तो काफ़ी डेट
इसको एक ग्रुप है, इस पर इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। हाँ अनग्रुप कर, देख रहे हैं ना, यहाँ पे अनग्रुप नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा अनग्रुप? क्योंकि काफ़ी, हाँ अनग्रुप हो गया, माफ़ कीजिए, इसमें काफ़ी बड़ा डेटा हो गया और इसकी लिमिटेशन भी है, अब 16,000 कॉलम नहीं होना चाहिए इसमें। और जो हॉरिजॉन्टल डेटा हो गया तो उसको देखने में दिक्कत हो रही है ना, बहुत लंबी डेटा है। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं कि जब आपके पास ज़्यादा हो तो उस केस में क्या करें, आप इसको सब कॉलम बना दें, सब रो में जाकर सब हेडिंग बना दें। इस तरह से आप स्विच भी कर सकते हैं एरिया वाइज। हाँ इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे आपको ये देखिए एरिया वाइज रिपोर्ट हो गया, इसको कॉलम पे एक्सपेंड भी कर सकते हैं इसे प्लस करके, तो ये आपका एरिया वाइज भी हो गया है सर जी। राइट सर, आप इसको इजीली जो है यहाँ से पिवट टेबल एनालाइज से ये देखिए आपका कोलैप्स और एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड कोलैप्स कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर आप पिवट टेबल किसी को मेल रिपोर्ट आपको भेजना है, अगर एज ए पिवट टेबल भेजना है तो बहुत अच्छा है, बट एज ए पिवट टेबल आप नहीं भेज रहे हैं तो छोटी सी प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जब इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करेंगे, वैल्यू पेस्ट करते हैं, तो आपको ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा पर्सन है, कौन सा आपका एरिया है। सो मैं चाहता हूँ कि अलग अलग कॉलम में, पहले कॉलम में मान लीजिए आपका डेटा हो, ये जोन हो, दूसरे कॉलम में आपका नेम हो, तीसरे में आपका क्वान्टिटी हो। इसके लिए आप डिज़ाइन में जाके रिपोर्ट लेआउट में टेबलर फॉर्म कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस में डिस्प्ले के अंदर क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट भी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह का डेटा आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ आपको जो दिख रहा है सेंट्रल टोटल, ये आपका सब टोटल होता है। राइट क्लिक करके मैं यहाँ से सब टोटल हटा सकता हूँ, हट जाएगा, और लाना चाहो तो इस पर आप ला सकते हो, इस तरह से आप ला सकते हो और इस तरह से आप हटा सकते हो। ये सर कैसे सब टोटल? अच्छा वो एक बार उसके बाद हमने okay, क्या okay. हाँ हमने क्या किया कि हमने एरिया को इसी में एक बार रख देता हूँ, सॉरी स्विच कर देता हूँ इस तरह से, तो मैं यहाँ से सब टोटल हटा देता हूँ। सब टोटल हटाने के बाद यहाँ जैसे मान लीजिए सेंट्रल सेंट्रल है, मुझको फिल चाहिए क्योंकि फिल्टर लगाने में दिक्कत होता है, नॉर्मल जब कॉपी पेस्ट कर लूँगा तो यही मैं आपको देखिए लेआउट में ही आपको दिखेगा रिपोर्ट ऑल आइटम लेवल, तो इस तरह से रिपीट हो जाएगा। आपको अगर हर फील्ड के बाद एक ब्लैंक रो चाहिए तो यहाँ से आप इंसर्ट ब्लैंक रो करेंगे तो आपको ब्लैंक रो ऐड हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आप रिमूव कर दीजिए और यहाँ पर आप कर दीजिए नो नॉट रिपीट। आप चाहते हैं मर्ज करना, राइट क्लिक कीजिए पिवट टेबल ऑप्शंस और इसको आप यहाँ देखिए मर्ज एंड सेंट्रल होता है, आप इसको मर्ज कर दीजिए, आपका मर्ज हो जाएगा। एक और फीचर इसमें होता है कि किसी भी टेबल के ऊपर अगर आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो इसका डेटा कॉपी पेस्ट हो जाता है, समझे? मान लीजिए कभी कन्फ्यूजन हुआ आपको कि भाई ये जो पूजा कुमार शर्मा है नॉर्थ में 23 सेल किया है, क्या सेल किया है, कंफ्यूजन है, तो डेटा में जाके चेक करने के बजाय इस पर डबल क्लिक कीजिए और चेक कर लीजिए, जस्ट डबल क्लिक एंड चेक। अच्छा सर, जितनी बार हम क्लिक करेंगे डबल क्लिक ही उतने अलग वो अलग शीट्स में डाल देगा, आता रहेगा जी। ठीक है जी, अब इसमें अगला ऑप्शन आता है, ये तो ठीक है, अगला ऑप्शन इसमें आता है कि मुझे डबल क्लिक नहीं करना, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों की हैबिट होती है डबल क्लिक करना, तो बार बार अगर हम इस तरह का डबल क्लिक करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद पिवट टेबल ऑप्शंस पे चले गए, डेटा पे चले गए, यहाँ देखिए यहाँ आपका एनेबल शो डिटेल्स अनचेक कर दीजिए, अब डबल क्लिक करने पर डेटा नहीं दिखेगा। ठीक है सर, ओके। अब बात करते हैं शॉर्टिंग, ग्रुपिंग एंड मूविंग की, ये तो हो गई हमारी। अगर जैसे नेम बाय डेटा रख रखे हो तो आप इजीली इसको शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट। अगर आप नेम बाय शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप नेम बाय भी शॉर्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट ए टू जेड एंड जेड टू, जिस फील्ड पर क्लिक करेंगे उस पर शॉर्ट होगा,
इसी तरह से कॉलम में अगर मान लीजिए एरिया रख दिया, कॉलम को सॉर्ट करना है तो आप कॉलम को भी सॉर्ट उसी हिसाब से कर सकते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, कॉलम आपका सॉर्ट होगा। फील्ड पर रखिए तो यहाँ सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस तरह से होता है। देखिए कॉलम बाई सॉर्ट नहीं होगा, रो बाई सॉर्ट होगा। मूव की बात करें, जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है यहाँ वेस्ट हमारा मेन, मान लीजिए नॉर्थ हमारा मेन एरिया, नॉर्थ फर्स्ट में होना चाहिए, तो राइट क्लिक करके यहाँ आप मूव कीजिए और नॉर्थ टू बिगनिंग कर दीजिए, तो आपका बिगनिंग में आ जाएगा। ठीक है जी। उसी तरह से कोई पर्टिकुलर ए चाहिए तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं मूव, ये बहुत सारे मूव के ऑप्शन है, जो ऑप्शन चूज करें उस ऑप्शन को लीजिए और रख लीजिए। ओके ये समझ में आ गया आपको। अब हम फिल्टर की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें से हमें कुछ पर्टिकुलर पार्ट चाहिए, जैसे पूजा चाहिए, जी के चाहिए, ओके कीजिए, तो कुछ पर्टिकुलर पार्ट को ही फिल्टर करेगा। उसी तरह से मैं यहाँ भी किसी पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करूँ तो पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट होगा। अगर वैल्यू फिल्टर है तो यहाँ पर आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, लेवल्स में भी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल फिल्टर में और कंडीशन कन्वर्टिंग में आप लगाते हैं, वो सारा सिस्टम यहाँ भी आ हुआ है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक, कॉलम भी आए, देखिए आप चाहते हैं पेज फिल्टर लगाना, जैसे मुझे सिटी वाइज रिपोर्ट देखना है तो सिटी को रख दीजिए फिल्टर में, ये आपका पेज फिल्टर यूज हो जाएगा। तो शॉर्टिंग फिल्टर के बाद अगला ऑप्शन आता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में क्या है, जैसे मैं मान लीजिए कि नेम हटा देता हूँ, एरिया हटा देता हूँ, मान लीजिए कि ये आपका पूजा केस तुम्हारा, पूजा शर्मा, पूजा सिंह, सब एक ही है, अलग अलग नाम है इसके, मैं चाहता हूँ सबका इकट्ठा एक जगह पूजा का दिखे, तो कंट्रोल प्रेस करके सारे पूजा सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और कर दीजिए ग्रुप। या ग्रुप वन आ गया, यहाँ पे देखिए नेम टू नेम, तो नेम को हटा दीजिए, नेम टू को रखिए, और जहाँ पे आपका ग्रुप वन आया हुआ था वहाँ पे आप पूजा सिंह या पूजा जो करना है कर दीजिए, इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। तो ग्रुप सिर्फ टेक्स्ट पे ही, नंबर पे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने MRP यहाँ रखा, तो देखिए दस रुपये की रेट से 589 क्वांटिटी सेल हुए हैं, 11 रुपये की रेट से 443 सेल हुए हैं, इस तरह की जो क्वांटिटीज है इसको आप चाहो तो आप यहाँ ग्रुप करके इसको एक स्लैब में ला सकते हैं। जैसे मैंने 10 to 90 कर दिया, 10 का स्लैब कर दिया, तो 10 और 90 ऑटोमेटिक आया, क्योंकि इस डेटा का जो मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर देखिए आ गया। इस तरह से नंबर्स को भी आप ग्रुप कर सकते हैं, एक स्लैब में आपका नंबर आ जाए। अगर ग्रुप अगर है तो डेट को भी ग्रुप कर सकते हैं, क्योंकि डेट अगर रखते हैं तो डेट कभी कभी इस तरह से आएगा, या कभी कभी आपका अनग्रुप होकर इस तरह से आएगा। आपको मंथली, क्वार्टरली, ईयरली या हर 15 दिन का ग्रुप चाहिए तो राइट लीजिए डेट पे ग्रुप चाहिए, मंथली चाहिए तो मंथ को सेलेक्ट कीजिए, मंथ हो जाएगा, मंथ और ईयर दोनों चाहिए, मल्टी ईयर डेटा है तो ग्रुप मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपका मल्टी ईयर आ जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए इसको डेट के हिसाब से, तो ग्रुप कीजिए, डेट को सेलेक्ट कीजिए, ओनली फॉर डेज, और यहाँ पे नंबर डाल दीजिए कि 15-15 दिन का गैप चाहिए, तो ये आपके सामने 15-15 दिन का सेल्स आ जाएगा। इस तरह से आप ग्रुप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें एक प्रॉब्लम था मेरे को, मैं इससे हेलो बोलिए, लास्ट टाइम जो अपनी क्लास में ये मैं पूछा भी था आपसे, एक्चुअली जैसे बिलिंग होती है फर्स्ट 15 डेज 1 to 15, लेकिन जब फॉर एग्जाम्पल इन द मंथ ऑफ मार्च 16 to 31 होती वो, तो वो 16 डेज हो आते, लेकिन मेरे को मंथली चाहिए ऐसा, तो वो कैसा होगा वो अभी इसमें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आ जाता है अगर मार्च का रहा तो। हाँ, मतलब कि आप 15 दिन गैप करेंगे तो मार्च में नेक्स्ट में आ जाएगा। हाँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो बिलिंग है एक मंथ में 2 बिलिंग है, तो वैसा है मेरे को कुछ उसके लिए ऑप्शन, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेटा के अंदर चेंज करना होगा, डेटा के अंदर डेट लेना होगा, समझे, और इसमें आपको करना पड़ेगा, इसमें जो है इसको यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा बिलिंग साइकिल, और यहाँ पे आपको जो है देना पड़ेगा, कैसे देंगे आप, यहाँ पे डे का फॉर्मूला लीजिए, इसमें से डे अलग लिख लीजिए, और यहाँ पे आप यहाँ पे कंडीशन लगाइए कि इफ डे जो है लेस देन इक्वल टू 15 है तो यहाँ पे साइकिल 1 आना चाहिए। ठीक है, ओके। फिर अगेन ये अगेन कंडीशन दीजिए कि इफ अगर डे का फॉर्मूला ग्रेटर देन 15 हो तो यहाँ पे साइकिल 2
साइकिल शुरू होना चाहिए, समझे? या डेट डाल दीजिए या कुछ भी डालना है डाल दीजिए, अब उसकी इसके हिसाब से आप कर लीजिए यहाँ पे। अच्छा वो भी सही है क्या? ठीक है सर, क्योंकि एक्सेल में तो ये रीड नहीं करेगा ना, हाफ मंथली, मैंने कि हाफ मंथली नहीं है मैं यहाँ पे, यहाँ तक डेज है ना। सही है, ठीक है सर, ये ऑप्शन भी सही है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, पिवट के अंदर किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। कैलकुलेशन का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मान लीजिए नेम ले लिया और क्वांटिटी ले लिया। अब यहाँ पे सेल है, मेरे पास इन सबों का एक टारगेट है जो कि हम डेटा के अंदर ऐड करना चाहते हैं। मैं यहाँ नेम की जगह पे टारगेट और यहाँ पे टारगेट के 3000 का टारगेट है सबको सेल करना, बट यहाँ 3000 टारगेट नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि हम कंडीशन यहाँ पे यहाँ पे जो हमारा टारगेट है कब आएगा, क्योंकि हमने डेटा, हमने जो पिवट लगाया था वो पिवट हमारा 797 तक था और हमने नया एंट्री 798 किया है, तो पिवट को अपडेट करना पड़ेगा। तो पिवट टेबल में हम जाएंगे, चेंज डेटा सोर्स, और फिर इसको हम वापस रीसेलेक्ट करेंगे, देन ओके। अब आप देखें यहाँ पर टारगेट आ गया। अब इस टारगेट से मुझे एक और क्या करना है, क्वांटिटी में एक बार यहाँ और रखता हूँ, ध्यान रखिएगा वैल्यू में आप क्वांटिटी को मोर देन वन टाइम रख सकते हैं। इसके क्वांटिटी टूल में वैल्यू फील्ड सेटिंग पे गया, सो वैल्यू एच पे गया, नो कैलकुलेशन के जगह पे मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लिया और यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ पे इसकी टारगेट। इसी तरह से और भी बहुत सारे कैलकुलेशन आप ले सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ रो टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, ग्रांट टोटल, पैरेंट टोटल, डिफरेंस परसेंटेज, रनिंग टोटल, परसेंटेज रनिंग टोटल, ये सारे टोटल्स आप देख सकते हैं। रुपेश जी आप अपने एंड से देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है जी। सर एक मिनट, आपने उसमें टारगेट को ऐड किया, फिर दोबारा हमने अपना डेटा को वो किया, उसके बाद ये एनालाइज में जाके चेंज डेटा सोर्स यूज किया था हमने। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऑटोमेटिक हो तो आपको याद होगा मैंने ऑफसेट फॉर्मूला बताया था ना आपको, ऑफसेट का वो आपने बताया था, ऑटोमेटिक रेंज वाला वो यूज कर सकते जी, ठीक है सर। उसके बाद सर इसको सबका अलग अलग टारगेट है तो नहीं, तब यहाँ पे नहीं होगा, सबका अलग अलग टारगेट है तो फील्ड बाई फील्ड रखना होगा। मान ली सबका अलग अलग टारगेट है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे फिर फील्ड कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे टारगेट है तो आपको डेटा के अंदर में वो टारगेट ऐड करना होगा हर, तो सबका देखिए इसमें दिक्कत यही है कि आपको हर सेल का टारगेट होना चाहिए, समरी का टारगेट नहीं है कि भाई पूजा का 3000 से टारगेट है, इसका 3000 टारगेट, देन आपको पिवट से बाहर आना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। लेकिन हर सेल्स का अगर टारगेट है आपके पास तो आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्या बोलते हैं रियल लाइफ में बहुत कम होता है। या फिर रिपोर्ट आपका पर डे के हिसाब से, तो पर डे का सेल है टारगेट आपके पास है, या मंथली डेटा है कि मंथ का एक ही, एक मंथ का एक ही एंट्री है उसका टारगेट है, तो चीज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे फिल टू फिल कैलकुलेशन होता है, फिल टू फिल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मुझे पिवट, इसको पिवट को वापस रीसेलेक्ट करना होगा क्योंकि हमने नया कॉलम ऐड किया है, तो यहाँ चेंज डेटा सोर्स और यहाँ पर हमने हम यहाँ जाएंगे एनालाइज में ही फील्ड आइटम सेट कैलकुलेटेड फील्ड में। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे सबसे पहले तो चाहिए यहाँ पे एक मिनट, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ कि यहाँ हम एमआरपी रख देते हैं ताकि मुझे एमआरपी दे दिख जाए, एवरेज ऑफ एमआरपी दिख जाए कितना सेल है। अब मुझे इस पर कुछ फील्ड्स ऐड करना है, जैसे कि मुझे सबसे पहले तो टारगेट का परसेंटेज चाहिए,
तो परसेंटेज इल्ड, उसके लिए हमें क्या करना है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय टारगेट और ऐड कर दीजिए एन ओके, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। मुझे टोटल चाहिए कि टोटल सेल कितना हुआ, क्योंकि 46 पर पीस के हिसाब से 2658 का सेल है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट फील्ड में आ सकते हैं, यहाँ पे हम टोटल ले सकते हैं और टोटल में यहाँ हम क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड एंड एंड ओके आ गया। आप मुझे इस पर जीएसटी निकालना है 18% का, तो यहाँ पे आप जीएसटी का टैग दीजिए और मुझे टोटल का 18% चाहिए। इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप वहाँ जाके कर सकते हैं, ठीक है ओके। इसमें एक आपका आइटम कैलकुलेशन भी होता है, कैलकुलेट आइटम जो एक्टिवेट नहीं, जब आइटम पे क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट होगा। जैसे आपको बताया ना कि यहाँ पे पूजा पूजा शर्मा पूजा सिंह सब एक ही है, मैं यहाँ पे ग्रुप ना करके कैलकुलेट करना चाहूँ तो कर सकते, बट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रुप लगे हुए हैं, जहाँ पे ग्रुपिंग होती है वहाँ पे आपको आइटम कैलकुलेशन वर्क नहीं करता है, तो आपको इसको नए पिवट पे लेके जाना, नए डेटा सीट पे लेके जाना होगा, पिवट से मतलब नहीं है उसको। तो यहाँ पे आप देखिए नेम वाइज क्वांटिटी हमने रख दिया, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटेड आइटम कर सकते हैं। कैलकुलेटेड आइटम में मैंने यहाँ पे लिख दिया पूजा और यहाँ पे हमने कर दिया कि मुझे पूजा का सेल चाहिए प्लस पूजा शर्मा का सेल चाहिए प्लस पूजा शर्मा का सेल चाहिए प्लस पूजा सिंह का सेल चाहिए और ऐड कर दिया एंड ओके, यहाँ टोटल आपके सामने आ गया। आपको चेक करना है कि भाई क्या क्या कैलकुलेशन है, किस तरह का कैलकुलेशन है, कन्फ्यूजन हो रही है कि कैलकुलेशन हो गई है पता नहीं चल रहा किस तरह कैलकुलेशन है, तो पीवट पे जाइए और इसमें एनालाइज में आपको दिखेगा लिस्ट फॉर्मूला, तो एक अलग सीट पे सारे कैलकुलेशन आपको इस तरह से आ जाएगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल पीवट टेबल की। जैसे मान लीजिए कि आपका डेटा बहुत बड़ा है, किसी डिफरेंट सीट पे पड़ा हुआ है, जब उसको ओपन करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, आप डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं लेकिन डेटा फाइल को रखे बगैर। जैसे मान लीजिए कि आप मेरे पास एक डेटा है जो कि काफ़ी बड़ी साइज की है, अगर उस फाइल को हम ओपन करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो हमेशा हैंग होता है, बात समझ रहे हैं सर जी। तो उसमें अगर हमने डैशबोर्ड बना दिया तो जितना बार डैशबोर्ड ओपन करेंगे उसके अंदर जो स्विचेज हैं उन स्विचेज पे भाग यूज करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा हैंग होगा ना सर जी, और डेटा भी अनसिक्योर होगा। तो इस केस में हम इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, एक यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर और यहाँ से जाइए आप अपना फाइल सिलेक्ट कर लीजिए जो आपका फाइल है एंड ओपन कीजिए, यहाँ पे जिस सीट में आपका डेटा है उस सीट को सिलेक्ट कीजिए देन ओपन कीजिए एंड देन ओके, अब आपका पिवट लग गया डिफरेंट कॉलम से डिफरेंट शीट से। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई फालतू का डेटा नहीं होना चाहिए, देखिए सिर्फ F10 F8 F9 आ गया, मतलब कि ऐसे ही फालतू कुछ डेटा रखे हुए थे जिस कारण से उस कॉलम को उसने रीड कर लिया। ये सर कहाँ से आया पर दोबारा बताएंगे, ये एक्सटर्नल डेटा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे जाके मैं बताता हूँ आपको, ये डेटा है देखिए यहाँ से उसने उठाया सीक्वेंस का डेटा, अब कैसे लाया मैं दोबारा बताता हूँ। मान लीजिए मेरा डेटा एक्सेल पे नहीं एमएस एक्सेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स चूज कनेक्शंस ब्राउज फॉर मी और फिर आप अपने लोकेशन पे जाइए जहां आपका एक्सेल या एक्सेस का फाइल पड़ा हुआ है, ओपन पे क्लिक कीजिए फिर अपना सीड या क्यूरी को सिलेक्ट कीजिए देन ओके एंड देन ओके ओके गॉट इट। अब इसमें आप अपना पिवट अभी आप नॉर्मल पिवट जैसे यूज करते हैं तैसे यूज कर सकते हैं जी, ठीक है ठीक है क्लियर है क्लियर जी।
अब हम बात, अब यहाँ तक 2007 का पिवट हम खत्म, 2010 तक का पिवट खत्म कर चुके हैं, अब 2013 का पिवट हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्लाइस फिल्ट्रेशन की। देखिए क्या होता है कि जब मान लीजिए कि हमने पिवट टेबल लगाया, हमने अपना रिपोर्ट बनाया कि नेम वाइज टोटल क्वांटिटी, नेम वाइज टोटल क्वांटिटी यहाँ आ गया जी। अब मुझे क्या करना है कि इस पर फिल्टर लगाना है सिटी और एरिया का, हमने सिटी लिया, हमने एरिया लिया। अब यहाँ हम क्वांटिटी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए दिल्ली, यहाँ दिल्ली आता है, आ गया। पर दिल्ली में अगर मान लीजिए हम सेंट्रल सेलेक्ट करते हैं, सेंट्रल का रिपोर्ट नहीं आ रहा। अब इसमें प्रॉब्लम है कि मुझे एक एक करके सबको चेक करना होगा कि किसका रिपोर्ट है किसका रिपोर्ट नहीं है जी। तो मुझे कुछ ऐसा हो कि हाँ पता चल जाए कि किसका रिपोर्ट है या किसका रिपोर्ट नहीं, पहले चीज। दूसरी क्या होता है कि कभी कभी हमें एक ही डेटा के ऊपर कई सारे रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे हमने एमआरपी का एवरेज ले लिया, यहाँ वैल्यू फिल सेटिंग में गए सो वैल्यू एज में, और यहाँ पे हम एवरेज ऑफ एमआरपी कर दिया, सॉरी माफ कीजिएगा, और यहाँ पे नो कैलकुलेशन ले लीजिए, तो यहाँ पे एवरेज आ गया। अब अगर इसको हम अपने रिपोर्ट में, अपने डैशबोर्ड में अगर हम चार्ट्स के ऊपर दिखाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि इसमें आपको एवरेज पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, एवरेज बहुत कम है, जिस तरह से एवरेज बहुत नीचे आएगा जो कि रिलेबल नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा। सो मुझे यहाँ पे दो अलग अलग चार्ट चाहिए, कि एमआरपी का चार्ट अलग चाहिए, क्वांटिटी का चार्ट अलग चाहिए। तो एक पिवट में एक ही तरह का चार्ट लग सकता है, दो अलग, एक पिवट पे दो अलग अलग चार्ट नहीं लग सकते हैं, इसे मुझे दो अलग अलग पिवट बनाने पड़ेंगे। तो बनाने के लिए आप इस पिवट टेबल को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, या फिर दोबारा पिवट लगाते समय पिवट टेबल और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आप अपना लोकेशन चूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, एक पिवट टेबल फाइनल हो जाए देन दूसरा पिवट टेबल लगाए, वरना इसका डेटा अगर बढ़ेगा तो इसको ओवरराइट करेगा। या हमने नेम वाइज एमआरपी का एवरेज ले लिया, एवरेज ऑफ एमआरपी, ठीक है। अब इसमें अगला प्रॉब्लम आता है कि मान लीजिए कि हमने फिल्टर रख दिया, आप सिटी और एरिया का फिल्टर रख दिया। अब इस पर क्या होगा कि हमारा सिर्फ एक पिवट टेबल इससे इफेक्ट होगा, दूसरा पिवट टेबल इफेक्ट नहीं होगा, दूसरा तीसरा चौथा जो पिवट टेबल है वो इफेक्ट नहीं होगा। तो इस काम के लिए हम यूज करते हैं स्लाइसर्स के, दोनों जो प्रॉब्लम मैंने बताया दोनों प्रॉब्लम के लिए हम स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। किसी एक पिवट टेबल पे जाए, इंसर्ट स्लाइसर, और जिस जिस फील्ड को चाहिए वो फील्ड आप चूज कर ले, ओके करें। अब यहाँ पे देखिए स्लाइसर्स, जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे सिर्फ वेस्ट एक्टिवेट है ना, सेंट्रल एक्टिवेट है, ये सब डीएक्टिवेट है, मतलब कि ये हमारा डेटा है नहीं। एक पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई जी, पर दूसरी प्रॉब्लम कि मैं जब दिल्ली क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा पहला पिवट चेंज हो रहा है, दूसरा पिवट चेंज नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको दूसरे पिवट टेबल पे क्लिक करके एनालाइज पे जाना होगा और फिल्टर कनेक्शन, दिख रहा है फिल्टर कनेक्शन जी, इस फिल्टर कनेक्शन पे क्लिक करके इस पे एरिया एंड क्वांटिटी को सिलेक्ट करके ओके करना होगा। मतलब कि आपको जितने भी पिवट टेबल लगाएंगे उतने बार आपको स्लाइसर को कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक स्लाइसर को कनेक्ट नहीं करेंगे पिवट आपका वर्क नहीं करेगा, पिवट आपका उस पर एक्टिवेट अपना फिल्टर वर्क नहीं करेगा। सब ये दोनों पे काम करेगा जी, हाँ कर रहा है। अब इसका यूज हम कर सकते हैं चार्ट्स में, जैसे मान लीजिए मैं दो अलग अलग चार्ट्स ले रहा हूँ, एक चार्ट हमने ए ले लिया, इसकी अलग एक डिजाइन में जाके एक अलग डिजाइन ले लेते हैं इसकी, हम इसको कट करके हम एक नई समरी शीट पे डाल देते हैं, जस्ट लाइक डैशबोर्ड टाइप, ठीक है। और इस पर क्लिक करते हैं, इस पर हम लाइन चार्ट ले लेते हैं या लाइन एरिया चार्ट ले लेते हैं, एरिया लाइन चार्ट, इसको और इसकी भी एक अपनी डिजाइन है, इसकी एक अपनी डिजाइन हम यहाँ से चूज करते हैं, इसको कट करते हैं और इसको दूसरी शीट पर ले जाते हैं। और आप जो है सिर्फ चार्ट को नहीं, आप जो है स्लाइसर को भी लेके जा सकते हैं। तो स्लाइसर को सिलेक्ट कीजिए, कट कीजिए और यहाँ पे आइए, इस पर पेस्ट कर दीजिए,
ठीक है, हमने दिल्ली को सिलेक्ट किया, देख रहे हैं ना वो क्या आ रहा है, जब मैं कानपुर को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सीट में जाके मेरा पिवट अपडेट हो रहा है, जैसे पिवट अपडेट हो रहा है तो मेरा चार्ट भी अपडेट हो रहा है, क्लियर है जी? क्लियर, कोई डाउट्स में? नो सर, नो। ओके, क्लियर हो गया ना सर? जी सर। अब अगला ऑप्शन है हमारा पावर पिवट टेबल, पर अगला पावर पिवट टेबल और पिवट टेबल साथ में करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आज पिवट टेबल पे प्रैक्टिस कर लें और हम कल जो है क्लास कर लेंगे पावर पिवट टेबल। ठीक है सर। ठीक है जी, कल सर क्लास कब सर? कल मॉर्निंग में कर लेते हैं 10 बजे या इवनिंग में 5 बजे, मैं दोनों टाइम में से कन्फर्म कर लूंगा मैं आपको मॉर्निंग में। ठीक।